हिरासत में ले लिया है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज अरफा फिरोज ने हमें ज्वाइन किया है। अरफा, क्या है मामला? जी बिल्कुल, रवान साल बोर्ड इम्तहान में जो है हाजिर होने वाले जो तलबा हैं उन्होंने आज एचईसी इस्लामाबाद के सामने जो है वो एहतजाज किया, और एहतजाज होने से कबल जब वो उधर जमा हो रहे थे तो उससे पहले ही इस्लामाबाद पुलिस ने जो है उन्हें हिरासत में ले लिया, और हिरासत में लेकर जो वो थाना आईनाइन जो है मुंतकिल कर दिया है। तलबा का जो है ये मौका है कि जिस तरह कोरोना के बाइस जो है हम लोग जो तालीमी इदारे थे वो बंद थे, तो हम पढ़ाई जो है वो सही तरह कर नहीं पाए, तो इसी वजह से जो है वो हमारे बोर्ड इम्तहान को जो है वो मंसूख कर दिया है, लेकिन उन तलबा को जो है वो हिरासत में लेकर आईनाइन थाना जो है मुंतकिल कर दिया गया। जी बहुत शुक्रिया आपका आसा फिरोज। तरीन इम्तान आपके खिलाफ तुलबा का कहना है कि ऑनलाइन पढ़ाया गया तो इम्तना भी ऑनलाइन लिए जाए, तो इस मौके पर पुलिस की और तुलबा की झड़प हुई है, जिसमें जो एक फोटोग्राफर है वो भी जख्मी हो गए उसकी कवरेज के दौरान, और पुलिस ने गिरफ्तार करके मुकदमे तुलबा 25 से ज्यादा तुलबा जो है पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं, जिनको थाने मुंतकिल कर दिया गया है। तुलबा यहाँ से मुंतशिर होना शुरू हो गए हैं, एचईसी के सामने ही एहतजाज किया गया था, और तुलबा इस लिए एहतजाज कर रहे थे कि ऑनलाइन जो है वो पढ़ाया गया तो इम्तना भी ऑनलाइन लिया जाए, और यहाँ पर पुलिस की बड़ी नौकरी जो है मौके पर पहुंची और उसने तुलबा को मुंतशिर करने के लिए तुलबा को कहा, लेकिन तुलबा बहुत शुक्रिया। ये बताइए क्या मुतालबात है, आप लोग इधर पहुंचे हैं और पुलिस की जानिब से भी कहा जा रहा है कि शायद ऑपरेशन हो सकता है, तो अभी क्या लायमल होगा और मुतालबात क्या है? देखिए बहुत सिंपल सा मुतालबा, जैसे कि पूरे साल पढ़ाया नहीं गया बच्चों को, पूरे साल एक ऑनलाइन क्लास किसी भी गवर्नमेंट के इदारे में किसी भी लोकल प्राइवेट इदारे में नहीं हुई, लेकिन एजुकेशन मिनिस्ट्री भी वो दावे कर रही है अभी कि हमने ली है, लेकिन ये सरासर झूठ है, साफ झूठ है। हम अपना हक लेने के लिए, अगर पूरे साल पढ़ाया नहीं गया तो इम्तिहानात किस चीज के हैं? हमने इनसे ये कहा है कि हमें या तो वक्त दे दिया जाए या इम्तिहानात कैंसिल किया जाए, लेकिन अब वो वक्त वाला काम भी नहीं रहा। अब सिर्फ एक ही मुतालबा है तलबा पाकिस्तान का कि आप लोग इम्तिहानात को फिलफोर कैंसिल करें, नए तालीमी साल का आगाज करें, क्योंकि अगर आप लोग जितना इसको आगे पीछे करते जाएंगे अगला साल भी जाया होगा, फिर अगले साल भी इस तरह के हालात पैदा होंगे। ये लोग कहते हैं लोग नालायक हैं, ये अजीम भाई 85% से अब मार्क्स यहाँ पे 92% मार्क्स इनके, आप देखें हम लोग तो नालायक नहीं है, बात अब यहाँ पे आती है। ये कितने अब आप लोग जाहिर सारे अब तक नहीं पहुंच पाए, क्या अभी तक दुश्वारी रास्ते में हो रही है और अभी क्या होगा? देखें हमने सारे कानूनी रास्ते हमने तैयार किए, कोई भी हमें सुनने के लिए तैयार नहीं है, हम इसी पाकिस्तान के स्टूडेंट हैं, हम इंडिया के, हम पर जुलम न किया जाए, शफकत में खुद समके न जाएंगे। देखिए हमारे तमाम तर मुतालबा जायज़ 100% हकीकत पर मबनी, उनको तस्लीम करने में कोई मसला भी नहीं, ना ही कोई नुकसान है। पूरे पाकिस्तान में अगर एक दुबा के तमाम साथ वो जाती हो रही है, उनके लिए स्पेशल इम्तहान भी कंडक्ट किया जाए, क्यों हमें इस तरह वो हुकूमत कह रही है कि 10-15% लोग हैं बाकी जो बच्चे हैं वो मेरे पास सैकड़ों 400 तक रिकॉर्ड मौजूद हैं, जिनके 1000 से ज्यादा मार्क्स हैं, जिनके 95% के करीब हैं, उनके मैसेज हैं वो कितना जहनी दबाव का शिकार हैं, लोग आखिर खुदकशी करेंगे और फिर जो होगा वो देखेंगे। पुलिस वाले जो अभी देखें हमें कितना, हम इतना पुराना यहाँ साइड पर बैठे हुए हैं, क्या करें यार, हम इस पाकिस्तान के स्टूडेंट क्यों इस तरह, मैं इस दुख को लेकर मैं गिरगिट से आया हूं, तो हमारे मुतालबात इसमें पूरे साल पढ़ाया ही नहीं। दोस्तों इस वाले से कोई मजीद तफसीलात आती हैं तो आपसे शेयर की जाएंगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, इसके अलावा आपकी राय क्या है, एग्जाम देने या आपको कैंसिल करें या प्रमोट करें, आपकी तैयारी कितनी है, आप अपनी जो है वो कमेंट के अंदर राय लिख सकते हैं ताकि हमें पता चल सके कि आप क्या चाहते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट इसको शेयर करें लाजमी तौर पर अपने दोस्तों के साथ। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, पाकिस्तान जिंदा।